हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जहाँ पे हम बताएंगे कि गेम प्ले में क्या होने वाला है, वो भी ड्यूअल मैच होने वाला है। और पूरा गेम प्ले वॉच करना, क्योंकि बहुत मज़े आने वाले हैं। आज के गेम प्ले में मैं किसी एक रैंडम के साथ खेलने वाला हूँ, जो कि बहुत अच्छा खेला था, और मेरे ख्याल से मुझे उसे एग्जार के टीम में ले लेना चाहिए, मैं ऐसा तो सोच रहा हूँ वैसे भी। और जैसे कि हम आए थे मिल्टर बेस, तो देखो आगे आगे क्या होने वाला है मेरे टीममेट और मेरे साथ। तो मेरे टीममेट ने कहा कि मेरे आगे बंदा है, तो मेरे पास आ जाओ। तो मैं भागा भागा वहाँ पे पहुँच गया, और मेरे टीममेट ने कहा कि वो बिल्डिंग के दूसरी साइड है। तो मैंने भी सोच लिया कि मैं बिल्डिंग के ऊपर से उसे आराम से मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं उसके लिए घात नहीं, वो मेरे लिए घात लगा के बैठने वाला है, देख लेना। अब मैंने उसे निकलते हुए देख लिया था, तो मैं थोड़ा बच चुका था, और मैंने एक ग्रेनेड भी डाल दिया था सेफ्टी के लिए। तो मेरे पास और एक ग्रेनेड था, मैंने सोचा कि अब इसका क्या करेंगे, इसे भी डाल देते हैं। तो मैंने इसे भी लिया और भाई साहब डाल दिया, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और तभी ही मेरे टीममेट ने एक जन को फुल फिनिश ही कर दिया। तो इसके बाद मेरी टीममेट ने कहा कि वहाँ पे डीपी है, तो जल्दी आके उठा लो। तो मैंने भी सोचा कि MQ-47 को करते हैं बाय बाय और उठा लेते हैं DP-28। और जैसे मैं यहाँ पे आया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे फुटप्रिंट, मतलब फुट के आवाज़ आ रही है, तो मैं यहाँ पे बैठ गया। अब देखो क्या होता है। खत्म, अजून एक बंदा। और अब मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पे कैसे मरा, कौन मेरे लिए घात लगा के बैठा था, या फिर कौन मेरे लिए कैंपिंग कर रहा था। पर यहाँ पे हम दोनों ही फिनिश हो चुके थे, तो हमने यहाँ पे डबल गेम स्टार्ट किया, क्योंकि हमें कंटेंट बनाना ही था। तो यहाँ पे हमने एक घर चुना जहाँ पे हम लूट कर रहे थे, और इसके बाद ही हमें कुछ मिल तो नहीं रहा था। और हमारी बात ये चल रही थी कि हमें कभी गन नहीं मिलती, हमें शॉर्ट गन ही ज़्यादा मिलती है, तो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। वैसा होता भी है, हमेशा की तरह मुझे सबसे पहले शॉर्ट गन ही मिली। इस घर में आने के बाद मुझे एक बंदे की पैरों की आवाज़ आई, तो देखो अब क्या होता है। मुझे पता है वो बंदा नहीं था, वो बॉट था, पर बोलने में क्या जाता है। और इसके बाद ही मेरे टीममेट ने कहा कि उसके पास बंदा है, तो मैं उधर साइड जा रहा था, और तभी वहाँ पे गोलियाँ भी चली, मतलब मैं समझ चुका था वहाँ पे 100% बंदा है। तो अभी देखो इसे भी कैसे मारते हैं। इन दोनों को तो हमने बड़े आराम से मार दिया था। पहले वाले के पास M-Barrel और M-16 थी, और ऊपर से वो हमारा कुछ उखाड़ तो नहीं पाया, पर उसने मेरे टीममेट की लाइफ बहुत कम कर दी थी। और ऊपर से जो दूसरा बंदा आया था, उसको तो पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे स्कारे लेके उसके ऊपर घात रखे बैठा था। और यहाँ पे एक बॉट आया, और मैंने उसे मार भी दिया, क्योंकि बॉट से केड़ी बढ़ती है, और केड़ी बढ़ाओ भाई, अगर बॉट मिले तो छोड़ो मत, ऐसे ही दूसरों को किल मिल जाएगा। और इसके बाद ही यहाँ पे गोलियाँ चलने लगी, और मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ जो कि छत पे था। मैं उस बंदों को मारने के लिए फ्लैंक कर रहा था। अब देखो मैं इस घर में आया, और देखो मैं कितना लकी हूँ कि मुझे M416 मिल गई। और तभी ही देखो क्या होता है, और तभी मैंने इसे मारने के लिए पूरा रास्ता क्रॉस कर लिया, और देखो अब कैसे बैंड बजते हैं। और मेरे टीममेट ने यहाँ पे कहा कि जल्दबाजी कह के उन्हें आराम से मार दे, पर मुझे कंटेंट बनाना था, मुझे हाई खेल से थे, पर मैं वो नहीं कर पाया, उसकी वजह थी मेरा टीममेट। और यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी देखो जो कि क्या थी, मेरे टीममेट ने कहा कि वो बिल्कुल तुम्हारे आगे के घर में है, तो मैंने यहाँ पे एक नेड लिया। ये लवकर फिर
इस बंदे ने पूरे आधे पोचंगे को खाली किया था, तो इस बंदे को हल्के में नहीं ले सकते थे। और हमने इसे फाइनली हमारे एडवांटेज के कारण हमें इसे मार लिया था। इसका जिगल वैसे ही बहुत अच्छा था, पर हमारे सामने का टिक पाया, हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी इसलिए। और इसके बाद ही मेरी टीममेट ने कहा कि उसके पास बंदा है, तो मैं गाड़ी लेने जा रहा था क्योंकि पोचंगे की गाड़ी तो किन कैरों ने लेके भग गए थे मुझे पता नहीं। और यहाँ पर मुझे एक बॉट मिला, मैंने उसको पे लिया। अब बचाई क्या है, बॉट मिला है तो मारो भाई। और इसके बाद ही जब मैं मेरे टीममेट के पास गया तो भाई साहब बॉट के चक्कर में बॉट मिला ही नहीं। तो अब कर भी कह सकते हैं, मेरे टीममेट ने कहा कि यहाँ पे बॉट है, तो मैं यहाँ पे रुका था कि ये बॉट सच में मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखो किस तरह घात लगा के बैठे थे, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे बॉट वॉट नहीं मिलने वाला। पर ये मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि अगर आप ड्यूक खेलते हो तो कैसी स्ट्रैटेजी रखो और कैसे क्या इस्तेमाल करो। जैसे कि अगर आप ड्यूक खेलते हो ज़्यादा, तो आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि आगे वाला बंदा इतना डर जाए या फिर उनको लगे कि हम इन्हें मार ही नहीं सके, तो इस चक्कर में वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा। तो और मैंने यहाँ पे पूरी पोचंग की छान मार लिया था, वो बंदा तो यहाँ पे था ही नहीं। मतलब मेरे टीममेट ने कुछ गलत ही सुना होगा, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है क्योंकि कभी कभी गलती भी हो जाती है ना, कोई ग्लिच भी हो सकता है। तो इसके बाद ही मुझे यहाँ पे शॉर्ट गन मिल रहे थे, पर यार मुझे शॉर्ट गन नहीं चाहिए, तुम समझा करो। मेरे पास जो गन मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ वो है। तो इसके बाद ही मैंने मेरे टीममेट को कहा कि गाड़ी में बैठ जाओ, हमें किल करना है तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा। और यहाँ पे बस 21 जन बर्ड्स के हैं, तो मैं सब हमें किल का जुगाड़ तो कैसे ना कैसे करना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ से गाड़ी उठाई और हम यहाँ से निकल गए जहाँ कि हमें जाना था। यहाँ से आ गए सीधा अपार्टमेंट के तरफ, क्योंकि अपार्टमेंट के तरफ बंदे ज़रूर रहेंगे मुझे ऐसा लगा। पर यहाँ पे अपार्टमेंट के तरफ तो कोई था ही नहीं। हमने यहाँ से बगी चेंज करी और बगी चेंज करने के बाद ही हमने सोचा कि राइजॉक के पहाड़ी के तरफ जाते हैं, पहाड़ी पे खड़े रहते हैं, कोई ना कोई राइजॉक का कैंपर जरूर हमें मिलेगा। पर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होने वाला, हमें वहाँ पे जाने के बाद ही हमें ऐसा बंदा मिलने वाला जिसने पूरी राइजॉक की लॉबी खाली करी थी। तो देखो अभी हम इसे कैसे मारेंगे, इसके पास कवर अच्छा नहीं था, नहीं तो फिर शायद एक साथ दोनों को भी ठोक देता और इसकी गन रीलोडिंग पे आ चुकी थी। देखो अब इसे कैसे मारते हैं, खत्म। अब इसे मारना तो कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि इसने मेरे टीममेट को पहले ही बहुत डैमेज कर दिया था और इसके पास उतनी गोलियां तो नहीं बची थी कि ये मुझे भी सहन कर पाया, क्योंकि हमें सहन करने वाला अभी तक कोई मिला थोड़ी ना यही मैच में। तो हमें सहन करने वाला या फिर मुझे डैमेज करने वाला अच्छा खासा कोई मिला ही नहीं। और ऊपर से मुझे यहाँ से बंदों की गाड़ी मिल गई जिसमें बहुत सारा पेट्रोल था। और यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे एक फूटी वाली गाड़ी है और मेरे टीममेट ने कहा कि वो घर के तरफ बंद है। तो मैंने सोचा कि चलो अब रश करना ही है तो कर ही जाते हैं। पर यहाँ पे एक मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, देखो जो मैं क्लच करने वाला था वो क्लच नहीं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे टीममेट ने सब कुछ संभाल लिया था, तो इसलिए मुझे मेरे टीममेट पे पूरा भरोसा था। तो उसके बाद ये मेरे टीममेट और मुझे कुछ नहीं मिला, सॉरी। मेरे टीममेट को आज से फ्लेयर गन मिली जिससे हमारा तो भोजन पूरा बनने वाला है। और ऊपर से देखो मेरे टीममेट ने ऐसे बंदों को बुलाया जो कि बहुत बड़े कैंपर थे और उन्हें ड्रॉप चाहिए था, मतलब कोई भी चलेगा, एयर ड्रॉप या फिर फ्लेयर ड्रॉप। और उन्होंने यही गलती की कि हमारे ड्रॉप पे आना मतलब बहुत बड़ी सज़ा है, ये तो आप सब जानते होंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप लूटा जहाँ पे मुझे मिली AWM और ग्रोजा। अब ग्रोजा मिली है तो कौन छोड़ेगा, और मैंने आम के लिए M416 छोड़ दिया क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि ग्रोजा बहुत हद तक M4 से अच्छी है, वो भी मेरे लिए। और इसके बाद ही जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे बहुत बोर हो रहा था क्योंकि यहाँ पे मुझे बंदे मिल नहीं रहे हैं और बंदे के ऊपर से फुटप्रिंट तो नहीं आ रहे और मेरा टीममेट मेरे से बहुत कम बात कर रहा है, तो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है। और ऊपर से यहाँ पे एक गाड़ी आई फाइनली, और जब मैं यहाँ से कूदा मुझे बस गाड़ी की आवाज़ आई थी, तो मैं भागा भागा जा रहा था क्योंकि गाड़ी की आवाज़ आई है मतलब गाड़ी ज़रूर आएगी। और वैसा ही हुआ, अब देखो इन्हें कैसे मारते हैं। एक नॉक
दो गई ख़त्म। वैसे इन दोनों को मारने में मज़ा आया क्योंकि मैंने इन दोनों को अकेले पिदाड़ा, और ऊपर से जिनके पास लूट थी मुझे AWM की 40 MO मिली। और शुरुआत में तो मेरा विचार था कि अब एक को नॉक किया तो दूसरे को AWM से मारूं, पर यार अब ग्रोजा आया और मैं कुछ रिक्स नहीं लेना चाहता था, तो ऊपर से हमारा ड्रॉप और बंदों को बुला सकता था, इसलिए हमने इन्हें पहले लूट डाला। AWM की गोलियाँ वोलियाँ सब मैंने ले लिए, और ऊपर से आप ATX था जो कि मैंने उठाया नहीं है क्योंकि मेरे को AKM मतलब AWM पे बिल्कुल पसंद नहीं है, 6X ओनली यूज़ करता हूँ मैं AWM पे। और यहाँ पे जो लूट मिली है ना भाई, मैं तो कभी नहीं भूलूंगा, मतलब भूल जाऊँगा, क्योंकि उससे भी हद ज़्यादा हद तक लूट मुझे कहीं ना कहीं से मिली जाती है। और यहाँ पे तो 40 AWM की एमओ हो चुकी। उन दोनों को मारने के बाद हम सीधा आ गए यसन्ना पोडिनाया, अब इसका नाम बहुत बोलना हार्ड है पता नहीं क्यों। और हमारी गाड़ी भी वैसे बहुत धीरे चल रही थी, आप जैसा कि वीडियो में देख ही पा रहे हो, मैं वैसे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना चाहता था और नहीं भी किया भी है, ओके। और इसके बाद हम आए यसन्ना पुडिना, और थोड़ी देर बाद ही जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मुझे आगे जाने के बाद मुझे एक बंदे के पैरों की आवाज़ आई, तो मैंने अपने टीममेट को बता दिया कि यहाँ पे बंदा है। अब मैंने यहाँ पे वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की थी जो कि मैं हमेशा करना सहमत समझता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे टीममेट पे कभी भरोसा नहीं रहता, अगर मैं नॉकआउट हो गया कभी वो भाग गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं पहले टीममेट को भेजता हूँ, और अगर वो नॉक हो जाए या फिर मैं उससे पहले पहुँच जाऊँ तो मैं मारने के लिए सहमत हूँ। और ऊपर से मैंने इन्हें मार भी दिया, वैसे तो वो अकेला ही था, गिली शॉट वाला था। और उसके पास वैसे भी M249 मैंने उठाया नहीं क्योंकि एंडिंग का जोन था, एक आम एक बंदे के लिए काफ़ी है, पर यार एंडिंग में मुझे वो बंदा मिला नहीं। और यहाँ पे फ्री का विनर विनर चिकन डिनर हो चुका है, और ऊपर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ठोकना, कमेंट करना, नेक्स्ट चैलेंज दे सकते हो मुझे, मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। और जिसने भी वीडियो को पूरा देखा उसका बहुत बहुत शुक्रिया।